नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर में कैंसर संस्थान का वर्चुअल भूमि पूजन किया। इसकी घोषणा 2014 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री गुलाब नमी आजाद के द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बिलासपुर में 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राज्य कैंसर संस्थान का भूमि पूजन और सभी संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया। वहीं राज्य कैंसर संस्थान में 100 बिस्तरों वाले आधुनिक कैंसर वार्ड और 20 बिस्तरों का आधुनिक आईसीयू वार्ड भी सुविधा उपलब्ध होगी। और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, बिलासपुर के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल भी कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े। और सभी यहां से जुड़े हुए अधिकारीगण, कलेक्टर साहब और सभी साथियों, बीते से 3.5 वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में लगातार किए जा रहे प्रयासों के क्रम में आज एक और महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 120 करोड़ रुपए की लागत से बिलासपुर में राज्य कैंसर संस्थान के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इस संस्थान के निर्माण में केंद्र और राज्य के अंशदान का अनुपात राज्यांश के 34 करोड़ 19 लाख रुपये के लिए भी प्रशासकीय स्वीकृति दे दी गई है। इसके लिए निर्माण एजेंसी CGMSC होगा। राज्य कैंसर संस्थान बिलासपुर में 100 बिस्तरों का अत्याधुनिक कैंसर वार्ड होगा, 20 बिस्तरों का अत्याधुनिक कैंसर आईसीयू होगा। सभी प्रकार के कीमोथेरेपी जैसे टारगेटेड इम्यूनो मॉलिक्यूलर मेट्रोनोमिक सुविधा निःशुल्क मिलेगी। अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाएगा। 2 लीनियर एक्सीलेटर, कोबाल्ट ब्रेकिथेरेपी यूनिट, PET स्कैन मशीन, CT सिमुलेटर, MRI मशीन और कैंसर अनुसंधान के लिए भी अत्याधुनिक साधन राज्य कैंसर संस्थान में उपलब्ध होंगे। स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, मुंह एवं गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, बड़ी आंत एवं गुदा का कैंसर, पेट के कैंसर, यकृत पीत की थैली के कैंसर, हड्डी के कैंसर, ब्लड कैंसर का इलाज भी एक छत के नीचे हो सकेगा। यह संस्थान निश्चित रूप से कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। हम मरीजों को कैंसर से मुक्ति दिलाने और जीवन को बचाने के लिए और भी प्रभावी तरीके से काम कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ का गौरव है यह, न सिर्फ हमारी बल्कि पूरे देश के और पूरी मानवता की धरोहर है। बीते 3.5 वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने अपनी इस अनमोल धरोहर को बचाए रखने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जैव विविधता बोर्ड का गठन वर्ष 2006 में कर लिया गया था, लेकिन इसके काम को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में इसका पुनर्गठन किया गया। बोर्ड के गठन के लगभग 12 वर्ष बाद पहली बार वित्तीय वर्ष 2020-21 में हमारी सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण के गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नए बजट मद का सृजन किया। इन गतिविधियों के लिए अब बोर्ड को हर साल राशि उपलब्ध कराई जा रही है। बोर्ड के कामों को प्रोत्साहन मिलने से जन जैव विविधता पंजी तैयार करने के काम में भी अच्छी प्रगति हुई है। बोर्ड द्वारा अनेक नवाचार भी किए गए हैं। इसी क्रम में एम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। इसमें एक बर्ड म्यूजियम के साथ साथ प्रशिक्षण फिल्म शो सहित अन्य सुविधा भी शुरू की जाएगी। इससे पक्षी प्रेमियों और पक्षी विशेषज्ञों का आकर्षण बढ़ेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसी संबंध में मैंने 2 फरवरी 2021 की घोषणा की थी। मुझे इस बात की खुशी है कि इस पर अमल शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में मनेन्द्रगढ़ के निकट हसदेव नदी के तट पर समुद्री फॉसिल्स पाए जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है यह देश में अपनी तरह की एकमात्र जगह है। इस क्षेत्र को भी आकर्षक स्वरूप देते हुए विकसित करने की योजना तैयार कर ली गई है। राशि की व्यवस्था भी कर ली गई है। अगले महीने यह काम शुरू भी हो जाएगा।
जैव विविधता संरक्षण के कामों को गति दे। केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर घटाने का ऐलान किया है, जो कि आज से लागू भी हो चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले का स्वागत करते हैं और साथ ही कहा कि जो कीमत यूपीए सरकार में थी उसी कीमत पर तेल के दामों को लाना चाहिए। तेल के भाव 6 रुपया घटा है, पेट्रोल में 8 रुपया घटा है और हम तो ये कहते हैं यूपीए सरकार के समय जितना सेंट्रल एक्साइज था उसे उसी दर पे ले आइए, इससे राज्य अभी जैसे 6 रुपये और 8 रुपये कम किया तो निश्चित रूप से हमको जो सेंट्रल एक्साइज के जो नुकसान है करीब 570 करोड़ का हो रहा है, लेकिन प्रदेश की जनता के हित में बिल्कुल हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, बल्कि हम तो मांग करते हैं कि इसको जो यूपीए सरकार के समय जो सेंट्रल एक्साइज था 9 रुपया और 3 रुपया उस दर पर ले आना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, भारत सरकार ने शेष 4% लगाया है जो पहली बार लगा है पेट्रोल में, पेट्रोल और डीजल में, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। जहाँ तक वेट की बात है वो तो वैसे ही कम हुआ तो हमारा तो अपना हिस्सा कट ही गया, भारत सरकार कट, क्योंकि 42% हमको मिलता है और बचत भारत सरकार का, जो उन्होंने, मैंने पहले भी कहा भारत सरकार निर्णय ले पूरे देश में इसका असर हो अलग अलग राज्यों करने की अपेक्षा। जहाँ तक हमारे राज्य की बात है, पिछले समय भी आपको याद दिलाऊं कि हम अपने पड़ोसी राज्यों के में कितना वेट वो कम कर रहे हैं उसको हम लोग देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग कम कर देंगे और पिछले साल भी, पिछले समय भी हमने कम किया था। तो अभी यदि भारत सरकार से पुनः मैं मांग करता हूँ कि यूपीए सरकार के समय जो सेंट्रल एक्साइज था पेट्रोलियम पदार्थों में उसी दर पर लिया है और रसोई गैस की कीमत को जितना यूपीए सरकार के समय था उस दर पर आम उपभोक्ताओं को रसोई गैस। विदेश में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के सबसे असफल, कुंठित और हताश निराश नेता हैं। विदेश की धरती पर जाकर कोई देशभक्त नेता राहुल गांधी की तरह देश विरोधी बयान नहीं देता है। राहुल गांधी देश के सबसे असफल, कुंठित, हताश और निराश नेता हैं। विदेशी धरती पर जाकर कोई देशभक्त नेता राहुल गांधी की तरह बयान नहीं देता, देश विरोधी बयान, केरोसिन छिड़क दिया है। अब देश में उनकी कोई सुनता नहीं है, इसलिए अपनी निराशा और हताशा विदेश में निकाल रहे हैं। ये बयान देके राहुल गांधी ने अपनी देशभक्ति और राष्ट्रनिष्ठा पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। जब श्री मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, मैं यूएसए की यात्रा पे था, मुझसे एक सवाल पूछा था वहां के पत्रकारों ने कि क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर अंडर अचीवर है। मैंने कहा वो कांग्रेस के नहीं, भारत के प्रधानमंत्री है और भारत का प्रधानमंत्री कभी भी अंडर अचीवर नहीं हो सकता। हमने कभी भी विदेश में जाके देश की आलोचना नहीं की, लेकिन एक कुंठित व्यक्ति से, हताश और निराश व्यक्ति से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। आश्चर्य है इसी नेता को कांग्रेस के कुछ नेता कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने की मुहिम चलाए हुए हैं, फिर तो कांग्रेस का भगवान ही। सीएम शिवराज ने कहा कि पूज्य माताजी श्रीमती मोहन प्यारी देवी जी पुण्य आत्मा थी। उन्होंने 97 वर्ष की आयु पूरी की और विवाह के समय भजन गाते हुए उनका वीडियो मैंने देखा। उनके पुण्य प्रताप से महेश्वरी परिवार समाज की सेवा कर रहा है। आगे सीएम ने कहा कि माँ के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज ये न्यायमूर्ति जी के यहाँ कंडोलेंस हो रहे हैं। माहेश्वरी परिवार में मातृ शोक हुआ है और माता जी पुण्यात्मा थी, लगभग
97 साल की आयु उन्होंने पूरी की थी और अभी मैंने विवाह के समय उनको भजन गाते हुए उनका वीडियो भी देखा। उनके पुण्य के प्रताप से ही माहेश्वरी परिवार समाज की बहुत बेहतर सेवा कर रहा है। भगवान ने अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दिया है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ और परम पिता परमात्मा से ही प्रार्थना करता हूँ। माँ को तो उन्होंने अपने चरणों में स्थान दिया ही है, दिवंगत आत्मा को शांति दे और माहेश्वरी परिवार को ये गहन दुख सहन करने की इच्छा। कमलनाथ जी ने कहा है कि बीजेपी के कार्य मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी खतरे में है, इसलिए उन्हें संविधान खतरे में दिख रहा है और साथ ही उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। देश में जाके देश को बदनाम करना ये उनका पहला शगल नहीं है, प्रारंभ से पूरी कांग्रेस इसी पद चिन्हों पर चलती है। जब कांग्रेस खतरे में होती है तो उन्हें संविधान खतरे में नजर आता है। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी खतरे में है और जब तक आप हो तब तक ये खतरे में ही रहेगी कांग्रेस पार्टी। देश को बदनाम करना छोड़ो, कमलनाथ जी कांग्रेस का समर्थन है, अब बाकी ओबीसी तो समझता है कि कोर्ट में कांग्रेस गई थी, भाजपा चुनाव में गई थी, इस्टे लेके आए ये कांग्रेस के लोग। कांग्रेस के लोगों ने जीरो कराया, उसके बाद जीरो होने के बाद कांग्रेस अपील में नहीं गई, अपील में भाजपा गई, शिवराज जी की सरकार गई और वो जीरो हटा के आई। क्या पिछड़ा वर्ग के लोग ये सोचते नहीं है और इसलिए हम मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल को ज्ञानव्यापी विवादित ढांचे के सर्वे में मिले शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में 30,000 कोर्ट ने जमानत दे दी है। आपको बता दें कि एमपी में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने प्रोफेसर की गिरफ्तारी का विरोध किया था। वहीं इस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो भी हिंदू के विरोध में बोलते हैं कांग्रेस उसके पक्ष में खड़ी होती है। मैं बोल सकते हो, ये बोल भी नहीं सकते और किसी धर्म के बारे में। तो ये देखिए कि जो भी हिंदू देवी देवता के खिलाफ बोलेगा, जो हिंदू देवी देवता के खिलाफ धर्म के खिलाफ बोलेगा, दिग्विजय सिंह का समर्थन उसी को मिलेगा। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, आप तो एक आध बार बता दो कि उसने कभी किसी और धर्म के खिलाफ बोलने वाले के पक्ष में ये बोले हो या ये और किसी धर्म के बारे में बोल सकते हो, ये बोल भी नहीं सकते और किसी धर्म के बारे में। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज ग्वालियर के लिए और पूरे समूचे संभाग के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है और एक नया उदय आज हो रहा है। सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया की विचारधारा के साथ देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना आज की जा रही है। आज ग्वालियर के लिए और हमारे समूचे संभाग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। एक नया उदय आज के दिवस पे हो रहा है। पुरानी संस्कृत की श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखनम सर्वे संतु निर्मायम, और उसी सोच विचारधारा के साथ आदरणीय करण सिंह जी और उनकी समस्त परिवार ने हमारे देवराज जी की स्मृति में देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना आज इस जगह पर की जा रही है। मेरे भाई और बहनों, स्वास्थ्य का क्षेत्र मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि जिंदगी में तीन देवता होते हैं। पहला देवता होता है जीवनदाता, डॉक्टर के रूप में। दूसरा देवता होता है ज्ञानदाता, आपके और हमारे शिक्षक के रूप में। और तीसरा देवता होता है हमारा अन्नदाता, जो भारत का अन्नदाता आज के सदी में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नरेंद्र सिंह जी के सहायता से आज देश का पेट नहीं भर रहा लेकिन पूरे विश्व का पेट भर रहा है।
अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा अगर हम अपने क्षेत्र की जनता को दे पाए तो भारत का नौजवान, भारत का एक एक जनमानस अपना भविष्य का निर्माण स्वतः कर पाएगा। और आज इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। मैं जितना धन्यवाद अर्पित करूं, जितने शुभकामनाएं मैं दे पाऊं करण सिंह जी को और उनके धर्म पत्नी सरवती करण सिंह जी को, वो कम होगा, क्योंकि ये सौगात केवल एक मेडिकल कॉलेज नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में एक जीवन दाता के रूप में एक इमारत ग्वालियर चंबल संभाग का बनने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, इस संस्था की अनेक विशेषता है। पहली विशेषता तो ये है कि शायद ये देश की पहली संस्था है। तो फिलहाल वक्त चुके छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सम्मान समारोह के बीच में ही गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के मंच से चले जाने का वीडियो सामने आया है। कार्यक्रम में सीएम हाउस में हुए पिछड़ा वर्ग सम्मान समारोह में ये दिखा। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में जब सीएम का भाषण खत्म हुआ तो गृह मंत्री ने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का हाथ पकड़ा और उन्हें सीएम के करीब कर चुपचाप जाने लगे। गुना में पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में इरशाद नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो आरोपी इरशाद भी पुलिसकर्मियों की हत्याकांड के वक्त वहां पर मौजूद था। गुना के एसपी राजीव कुमार मिश्रा की माने तो आरोपी इरशाद की गिरफ्तारी बजरंगगढ़ बाईपास के पास से हुई है। आपको बता दें, इस गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपी इरशाद के घर पर ताला लगा हुआ था। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि आरोपी इरशाद की पत्नी ने अपने पति को निर्दोष बताया है और पुलिस पर इरशाद को झूठ में फंसाने का आरोप लगा रही है। अखिल भारतीय नौजवान सभा की राज्य काउंसलिंग की बैठक शनिवार को टाउन हॉल कोंडागांव में आयोजित हुई। आपको बता दें कि कार्यक्रम में राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद भगत सिंह को नमन करके हुई। आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखजिंदर महेश्वरी ने संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय नौजवान सभा से जुड़े लोग जमीनी स्तर पर जनता के लिए संघर्ष करने वाले हैं। आज देश के युवाओं के सामने बेरोजगारी की समस्या है, चाहे किसी भी राज्य में हो। रोजगार की तलाश के लिए छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा मुंबई, दिल्ली आदि शहरों में काम के लिए तरह तरह गलत भटक रहे हैं। मीटिंग के एजेंडे हैं मेनली हमारे देश में आज युवाओं को सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, वो है बेरोजगारी की। आज चाहे वो देश के किसी भी राज्य के युवा हों, खासतौर पर अगर छत्तीसगढ़ के लोगों की भी बात करनी हो तो यहाँ के युवाओं को भी कहीं मुंबई, कहीं दिल्ली और कहीं और शहरों में जाके काम करना पड़ता है। हमारे देश में जब ये भाजपा सरकार ने सत्ता में आना था तो वादा किया था खासतौर पर युवाओं से कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार किसी को नहीं मिला, उल्टा ये हो गया कि घर घर में बेरोजगार जरूर हो गया। तो इसलिए हमारा ये पूरे देश का आंदोलन बनाने जा रहे हैं कि जैसे हमारे देश की पार्लियामेंट में पहले एक मनरेगा जिसको बोलते हैं कानून बना है, उसी की तरह पर एक बनेगा एक्ट बनना चाहिए। बनेगा मीन्स भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके अंतर्गत देश के सभी युवा, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से संबंधित हो, उनको रोजगार की व्यवस्था हो।
और उसी तरह जैसे अभी पिछले दिनों से इधर एक मुद्दा चल रहा है, हसदेव का मुद्दा, वो हसदेव का मुद्दा अकेला छत्तीसगढ़ का मुद्दा नहीं है, ये अकेला ये कोल माइन का मुद्दा नहीं, इससे पूरे का पूरा पर्यावरण है वो प्रभावित होगा, अकेले छत्तीसगढ़ के लोगों को फ्यूचर में इसका खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, पूरे के पूरे देश को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सो हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी इधर केरला में मीटिंग है, ये हसदेव का मामला पूरे ऑल इंडिया लेवल पे भी हम ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की ओर लेके जाएंगे कि किसी भी कारपोरेट घराने को ये हक नहीं है कि वो हमारे जंगल उजाड़े, हमारी ज़मीन उजाड़े। यहाँ के जंगल और ज़मीन ये पूरी की पूरी संपत्ति है, लोगों की संपत्ति है, इसकी रक्षा करने के लिए हम पूरे देश में अभियान चलाएँगे। वादे अभी चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उनका करेक्टर एक जैसा हो गया है, वादों फर्क तो तब पता चलेगा ना, अगर किसी भी दल की सरकार है उसने रोजगार की व्यवस्था कर दी है, शिक्षा की व्यवस्था कर दी है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी व्यवस्था कर दी है, लोग तो बीमार होते हैं इलाज करवाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, उनको बच्चों को पढ़ाई करानी होती है, कॉलेज भेजना होता है उसके लिए पैसा नहीं होता है, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है जब वो कॉलेज से निकलते हैं डिग्री लेके निकलते हैं उनको, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं होती है, तो ऐसी व्यवस्था जो भी सरकार बनाती है जिसकी चाहे किसी भी दल की हो तो उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है, चाहे कोई भी दल की सरकार की रहती है कि हम जहाँ ग्राउंड लेवल भी गांव से लेकर हम दिल्ली की पार्लियामेंट तक लड़ाई लड़ते हैं, हमें इसको लेकर बनेगा को लेकर जैसे भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है पार्लियामेंट के सामने एक प्रदर्शन भी किया था, आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि पूरे देश के युवा इकट्ठे होने जा रहे हैं केरला में, तो एक पूरा ऑल इंडिया लेवल का एक लॉन्ग मार्च जैसा एक मार्च निकालेंगे, सभी राज्यों के युवा, अकेला ऐसा नहीं है कि पंजाब के युवा हैं, बहुत बड़े पैमाने देश में जहां हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद मुद्दों पर माहौल गरमाया हुआ है, वहीं शाहजहांपुर में सर्वधर्म संभाव की इबारत लिखी है। आपको बता दें कि सामाजिक संगठनों द्वारा हिंदू और मुस्लिम जोड़ों का एक ही छत के नीचे विवाह समारोह और निकाह जो है आयोजित किया गया और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की गई, जहाँ 33 हिंदू जोड़ों व 3 मुस्लिम जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। और इसी के साथ शाहजहांपुर शहर में लाल घाटी क्षेत्र स्थित एक निजी मैरिज गार्डन के परिसर में 2 अलग अलग धर्म के रीति रिवाजों के साथ नवयुगल जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ जीवन भर के लिए थाम लिया। यहां एक दो नहीं बल्कि 36 जोड़ों के विवाह सम्मेलन का नजारा देखने को मिला, सांप्रदायिक एकता के रंग यहाँ पर दिखाई दिए। ये आयोजन बीते 13 सालों में एकता सर्वधर्म समाज विकास समिति द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि एकता समिति के तत्वाधान में एक तरफ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही हिंदू जोड़ों का विवाह हुआ। मंदसौर में ग्रामीण क्षेत्र में हो रही अघोषित बिजली कटौती एवं बिजली बिलों में हो रही जो वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि आज दोपहर 12 बजे करीब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में बताया गया कि मध्य प्रदेश की किसान विरोधी भाजपा सरकार द्वारा ग्रीष्म काल में विद्युत कटौती पर आम नागरिकों का जीना मुहाल कर दिया है और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में असमय बिना किसी सूचना के अत्यधिक मात्रा में विद्युत कटौती की जा रही है। सरकार की रीति और नीति जन विरोधी होने के कारण एक ओर जहां बेहिसाब बिजली कटौती की जा रही है, वहीं दूसरी ओर बढ़ती महंगाई के इस दौर में आम उपभोक्ता पर बिजली बिलों के तकरीबन 3% की वृद्धि कर महंगाई से त्रस्त आमजन पर एक और बोझ डाल दिया है। देहातों में बिना अघोषित कटौती की जा रही है, इससे आमजन बहुत त्रस्त है और शहरी क्षेत्रों में भी बहुत सारी जगह वोल्टेज की समस्या है जिससे लोगों को बहुत परेशानियां उठाना पड़ का सामना करना पड़ रहा है। हम ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमने आज धरना दिया और माननीय घनिष्ठ अभियंता को ज्ञापन सौंप कर ये मांग की कि ये सारी समस्याओं का निराकरण किया जाए। आपकी मांगें पूरी होती है तो आगे क्या करेंगे? आपकी मांगे पूरी नहीं होती आगे क्या करेंगे? आगे और आंदोलन करेंगे। तो फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।